हे एवरीवन, मैं हूँ शुभि और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी की बहन होने के अलावा ईयर 2000 में आई मोहब्बतें मूवी की इशिका के नाम से भी पहचानी जाती है, जो उनकी डेब्यू मूवी थी। और अपनी पहली ही मूवी से उन्होंने आईफा का स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। पर पिछले दो सीजन से बिग बॉस ने उन्हें फिर से फेम दिलाया है, और वो भी ऑलमोस्ट 12 साल बाद। तो फिर शमिता ने इन 12 सालों में क्या किया? काफी लोगों के माइंड में हमेशा ही ये सवाल रहता है कि कुछ काम ना होते हुए भी वो कैसे अपनी अर्निंग करती होंगी। शमिता की लाइफ से जुड़े ऐसे ही जाने अनजाने किस्से जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और मेरे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। शमिता शेट्टी का जन्म 2 फरवरी 1979 को मैंगलोर कर्नाटक की एक तुलु फैमिली में हुआ था। उनके सिस्टर को तो सभी जानते हैं, पर उनके फादर सुरेंद्र और उनकी माँ सुनंदा दोनों ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टेम्पर प्रूफ वाटर कैप्स के मैन्युफैक्चरर्स रह चुके हैं। शमिता ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से की और सिडनहैम कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल की। साथ ही SNDT मुंबई से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्स भी किया। इसके बाद उन्होंने मनीष मल्होत्रा के साथ फैशन डिजाइनर बतौर इंटर्नशिप भी स्टार्ट की ही थी कि मनीष को शमिता के अंदर एक्टर बनने का स्पार्क दिखाई दिया और उन्होंने उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने को सजेस्ट किया। पर शमिता का इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग में ज्यादा था और उन्होंने 2011 से अपने इसी पैशन को फॉलो करके खुद ने मुंबई में रॉयल्टी क्लब डिजाइन किया। और इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर उनके इसी प्यार ने उन्हें लंदन के सेंट्रल सेंट मार्टिन एंड इंचबोल्ड स्कूल ऑफ डिजाइन से इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा कोर्स के लिए भी पुश किया। फिर एक्टिंग में करियर बनाने का ट्राई करने आई शमिता ने ईयर 2000 में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बत से अपना डेब्यू किया। और जस्ट नेक्स्ट ईयर बाद ही मेरे यार की शादी है में शरारा शरारा सॉन्ग उस टाइम का बेस्ट डांस नंबर साबित हुआ, और तब तक एक्टिंग उनके पैशन में शामिल हो चुकी थी। शमिता कहती है कि डांस की उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, वो टैलेंट उनमें बचपन से ही है। बाद में जहर मूवी में भी उनकी एक्टिंग सभी को पसंद आई, जिसके बाद उन्हें शिल्पा शेट्टी के साथ फरेब, फिर कैश और बेवफा जैसी मल्टी स्टारर मूवीज में भी काम मिला। और यही वो टाइम था जब उन्होंने उनके पहले प्यार इंटीरियर डिजाइनिंग पर फोकस किया और मुंबई का रॉयल क्लब, चंडीगढ़ में लॉजेज स्पा और अब्रॉड में भी काफी कुछ डिजाइन किया। और शमिता गोल्डन लीफ इंटीरियर्स नाम की एक कंपनी भी ओन करती है। इसके बाद उनके एक्टिंग करियर में काफी लंबा गैप आ गया था और लोग सोचने लगे कि वो अपने एक्सपेंसेस का खर्चा कैसे उठाती है और कमाती कहाँ से है। दरअसल उन्होंने कुछ साल इंटीरियर में काम करने के बाद ईयर 2009 में बिग बॉस 3 से कमबैक किया था, पर 42nd डे ही वो घर से बाहर कर दी गई। ना मूवीज में दिखाई दी, ना किसी शोज में। उस दौरान शमिता लगातार अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में एंगेज थी और काफी ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करती रही। फिर साल 2020 में उन्होंने ब्लैक विडो नाम की एक वेब सीरीज से कमबैक किया। इसके अलावा वो इसी बीच झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में भी नजर आती रही। शमिता बताती है कि 27 की एज में उनकी लाइफ बदल गई थी और वो प्रोफेशनली भी काफी अच्छा कर रही थी और एक सीरियस रिलेशनशिप में भी थी, पर उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि वो अपनी लाइफ के लो पॉइंट पर है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या इमोशनली। और वो करियर और रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड जाकर अजीब से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछने लगी। शमिता ने बताया कि उस टाइम ऐसा नहीं था कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हो, पर उन्हें ऐसा फील होता था कि इस इंडस्ट्री के पार्ट बने होने से उनकी एनर्जी गलत तरीके से ड्रेन हो रही थी, क्योंकि वो इसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लगी थी और खुद को खोती जा रही थी। और शमिता को 3 साल लग गए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ जानने में। इस फेज में उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और लोग सोचने लगे थे कि शमिता एरोगेंट या सिलेक्टिव है या शायद काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि रियल रीजन ये था कि उन्हें तब कुछ भी अच्छा नहीं लगा करता था। शमिता कहती है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ यदि कोई दिखाई नहीं देता तो भुला दिया जाता है, और उन्हें सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि काश उन्होंने थोड़ा ज्यादा काम किया होता, पर जब तक उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। भले ही शमिता को उस टाइम लगता हो कि उनका लक साथ नहीं देता था, पर आज फिर से बिग बॉस OTT और बिग बॉस सीजन 15 से उनका टाइम लौट आया है। शमिता अभी तक अनमैरिड रही है, जिस पर उनका कहना है कि लाइफ पार्टनर से थिंकिंग स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली भी मैच करनी चाहिए, और इसलिए वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। शो में उनकी और राकेश बापट की रिलेशनशिप टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती है, पर स्टार्टिंग में वो उनसे नाइसली बात नहीं किया करती थी, जिस पर शमिता का कहना है कि वो काफी लंबे टाइम से सिंगल रही है और वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था और वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती थी। वहीं शिल्पा से उनके कंपैरिजन पर वो ध्यान नहीं देती। उनका कहना है कि पहले फिर भी ये बातें उन्हें अफेक्ट करती थी, पर अब नहीं, और शिल्पा के जैसा ही वो बनना चाहती है। पर वो एक बात क्लियर कर देना चाहती है कि सोशल मीडिया पर हमेशा ही उन्हें ये कहकर ट्रोल किया जाता है कि उनके फाइनेंशियली हेल्प भी उनके सिस्टर एंड जीजू करते हैं, जबकि सच ये है कि शमिता अपनी टेक केयर खुद ही करती है।
करती है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लास्टली शमिता कहती है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट जरूर करता है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में काम मिलने में आसानी रहती है और उन्हें लड़कियों को मजबूरी में यहाँ वहाँ भटकता देख उन पर तरस भी आता है। पर वो कहती है कि एट द एंड किसी को उसका लक एंड टैलेंट ही आगे लेकर जाता है। आपको शमिता बिग बॉस में ऑब्जर्व करने के बाद कैसी लगी? क्या वो गेम खेल रही है या जेन्युइन है? अपना ओपिनियन सबके साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।